न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मार गिराए दो नक्सली, चलाया जा रहा है संयुक्त ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार 21 अप्रैल को दो नक्सलियों को मार गिराया है। दरअसल सूबे में पुलिस और ग्रेहाउंड्स के साथ बीजापुर जिले के पामेद गांव में संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नक्सलियों पर कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलाके में कड़ी सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि गुरुवार 18 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रदेश के नक्सली प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया। तीसरे चरण के मतदान से पहले आज ताबड़तोड़ रैलियां। चुनावी सरगर्मियों के बीच सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई है। रविवार 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पाटन, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल के नेता भी तीसरे चरण के प्रचार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को। जानवी कपूर और ईशान खट्टर को धड़क के लिए मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कुछ इस अंदाज में दिखे सितारे। अपनी फिल्म धड़क से लोगों का दिल धड़काने वाली जानवी कपूर को इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया। उनकी एक्टिंग और फिल्म में उनकी सादगी के लिए जानवी को इस खिताब से नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, जानवी के को एक्टर ईशान खट्टर को भी अवार्ड दिया गया है। इस मौके पर दोनों ही सितारे जलवे बिखेरते दिखे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने जानवी जहाँ पिंक कलर की साड़ी में दिखाई दी, वहीं ईशान खट्टर भी इस मौके पर सिल्वर कलर के आउटफिट में नजर आए। जानवी कपूर की फिल्म धड़क साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से जानवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।